वक्त हुआ है एक बहुत ही मुख्तलिफ गेम खेलने का। इस गेम का नाम है उद्यम डिलीवरी। हो गई है, मैं आपसे तीन चार आसान से सवाल पूछूंगा, जनरल नॉलेज के नहीं है, जेनेरिक है, और आपसे पूछूंगा अली, और हम जो है उससे एक डायलॉग क्रिएट कर लेंगे, और वो डायलॉग आप जो है डिफरेंट एक्सप्रेशंस में अदा करेंगे। सबसे पहले मैं अली से स्टार्ट करूंगा। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला कोई आइटम? टूथब्रश। कोई बॉडी पार्ट बाहर का अंदर का जो भी? हाथ। हाथ। एनिमल कोई जानवर? शेर। शेर। आपसे सना से, सना कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट? हाथ पैर नाक कान मुंह? दांत। दांत। कोई हाइट बताएं, 1000 मीटर, 10 फुट, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हाइट? 700 फीट। 700 फीट। हमारे पाकिस्तान में कहने लगे 700 फीट लिख दिया। 700 फीट। 700 फीट। ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1 डायलॉग। ये एक जादुई टूथब्रश है, इसको इस्तेमाल करने से आपके एक हाथ शेर का हो जाएगा और दांत 700 फुट का हो जाएगा। ठीक है, ये एक जादुई टूथब्रश है। अली भाई आप आए, मैं लड़की का बाप हूँ और आपने अपना इंट्रोडक्शन इस तरह देना है, आप पोटेंशियल रिश्ता है मेरी बेटी के लिए। ठीक है, आप आ जाए। अब्बा इंतहाई सख्त आदमी, सिगार पी रहे हैं, मुंह छोटा है, सिगार थोड़ा बड़ा है। ठीक है, रैंडम अब्बू हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, क्यों आए हो? जी एक एक जादुई टूथब्रश है मेरे पास, तो मैं सोच रहा था कि उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो दांत 7 फुट के हो जाएंगे आपके, 700 फुट के हो जाएंगे, और आप ये सिगार आराम से पी सकेंगे। सना आप ये डायलॉग मुझे बोलेंगी, लेकिन ऐसे जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा हीरो खड़ा हुआ है और अब लड़की जो है उसको प्रपोज कर रही है, मैं हूँ वो बड़ा हीरो। मैं गेम के साथ साथ अपनी अपने भी ख्वाहिशात पूरी करता रहता हूँ। गुड गुड, जरूरी। देखो ये एक जादुई टूथब्रश है, इसको इस्तेमाल करने से आपका एक हाथ शेर का शेर सा और दांत 700 फीट के हो जाएंगे। वाकई? सना थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। अली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हसना मनाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवीज। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ऑलरेडी सिनेमा में रश लगे हुए, मैं खुद जाके देखने वाला हूँ, और इस बार बहुत सारी मूवीज और रिलीज हो रही हैं। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। बिल्कुल। अच्छा जाने से पहले हम करते हैं कमाल की बात, और अली आपको एक बड़ा फन फैक्ट के चीज बताऊं कि जब मैंने ये कमाल की बात वाला सेगमेंट सोचा था ना, तो मेरे दिमाग में आपके वालिद साहब का एक शो आता था, राहत काजमी शो, उसमें वो आखिर में बड़े प्यार से कहते थे अब है खासे की बात, तो वो खासे की बात से कमाल की बात इंस्पिरेशन निकली है, तो आज आप उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, कितनी बड़ी बात है। आप करेंगे आज कमाल की बात। थैंक यू ताबिश। अच्छा भाई देखिए, जैसे कि उम्र यार में हम सब मिलके वी फाइट द डार्कनेस विद लाइट, तो ये याद रखिएगा कि अपने अंदर की रोशनी हमेशा हमेशा भरपूर रखें, एंड टुगेदर वी कैन ऑलवेज फाइट द डार्कनेस, स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट यू डू। एक ये बात होगी, और दूसरी बात छोटी सी बात है कि प्लीज हमारे मुल्क के एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, हमारे मुल्क के सरमाया थे तलत हुसैन साहब, ही पास्ड अवे, वो के साथ मैं बिल्कुल बड़ा हुआ हूँ, वो अब्बा के दोस्त भी थे और मेरे मेंटोर भी थे, और उनके साथ काम करने का मुझे फ़ख्र भी है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनको देखने का फ़ख्र एंड उनको बिल्कुल उनको उनको आई एम सो हैप्पी कि उनके साथ हम सब ने पूरे पाकिस्तान ने कितने मोमेंट्स एंजॉय किए हैं, कितने मोमेंट्स के साथ जिए हैं। तो तलत साहब के लिए एक बार जा भी हो, तलत साहब बस अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और जन्नत नसीब करे। आमीन।